तो भाई लोग वापस से आ गए GTA 5 एक्सपेंडेड एंड एनहेंस की एक और गेम प्ले वीडियो में, है ना। और भाई साहब पिछली वाली वीडियो को आए बहुत टाइम हो गया, सिटी स्काइलाइंस के पहले आई थी कभी, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ हुआ क्या था। तो भाई साहब पिछली वाली वीडियो में हमारे जो होटल था जिसके अंदर हम रहे थे, मतलब हमारा होटल तो नहीं था, फ्रैंकलिन का होटल था, उसके ऊपर भाई बड़ा खतरनाक हमला करवाया था शेख ने, है ना भाई। मतलब अपनी पूरी सिक्योरिटी विक्योरिटी भेज गया और मतलब कर दिया था उसने काम पूरा। लेकिन ये है कि भाई हम बच गए थे जैसे तैसे करके, है ना। फ्रैंकलिन की हेल्प लगी, माइकल की हेल्प लगी, सबकी हेल्प लेके बच गए थे, है ना। और भाई फिर उसके बाद है माइकल भी शेख ने, भाई माइकल को दाब रखा था, इतना तकड़ा बंदा माइकल, उसे दाब रखा था भाई शेख ने, है ना। और वो भी भाई फिर छुट के भाग गया था शेख के पास से और फ्रैंकलिन के साथ चला गया था अपने किसी बॉस बॉस के पास। अब हमें पता नहीं है कौन है इन दोनों का बॉस, भाई इतने पावरफुल बंदे हैं, इनका भी बॉस है कोई तो पता नहीं कौन है, लेकिन उसके पास गया था ये। और हमें जो है फ्रैंकलिन ने एक और जगह दे दी थी रहने के लिए, एक मतलब होटल तो नहीं है अब की बार एक छोटा सा घर है। लेकिन कुछ टाइम पहले जो ट्रेसी और एवेंडा गायब हो गई थी वो भी अब वापस आ चुकी है, मतलब वापस तो नहीं आई, वो पहले से उस घर में रह रही थी, हम बाद में उस घर में गए। और भाई अभी एक हैप्पी फैमिली है, ठीक है, क्योंकि माइकल को तो भाई कहते फैमिली का बाहर से कर रखा है सबने मिल के, है ना भाई। एवेंडा ट्रेसी जिमी यही थी तो खुश रहते हैं भाई, माइकल वाइकल को तो कह रखा भाई सब परेशान है इस बंदे से, है ना। तो वो फ्रैंकलिन के साथ अभी अपना मस्त है और हम यहाँ पे आराम से रह रहे हैं। घर में छोटा सा ही घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि लो प्रोफाइल रखने के लिए सही है। और अभी हम गाड़ी भी ज़्यादा अच्छी और महंगी वाली सुपर कार वगैरह नहीं मंगवा सकते इस घर में, ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों को शक हो जाएगा कि इतना अमीर बंदा कौन आ गया, और हमें शक नहीं करवाना, हमें शांति से रहना है, ठीक है भाई साहब। तो अभी चल के देखते हैं कि सिमियोन ने हमारे लिए गाड़ी कौन सी भेजी है ना। और भाई ओ भाई थार भेजी है सिमियोन ने, ओ नाइस भाई, मजा तो आया है इसके बिना, क्या मजा भाई, क्या GTA है। और भाई साहब इस गाड़ी की तो मुझे तुम्हें स्पेक्स भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। कौन नहीं जानता इसके बारे में, है कोई अखे भारत में ऐसा जो नहीं जानता भाई, कोई नहीं है। और मैं तुम्हें एक बार अंदर से दिखाता हूँ, बाहर से तो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल लगी रही है, ब्लैक कलर की थार, अंदर से ही भाई काफ़ी सही है। और भाई पूरा इंस्ट्रूमेंट कंसोल वगैरह दिख रहा है, बस ये खुली नहीं हो, बस ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम सी लगी इसके साथ, अगर खुली भी होती ना भाई छतड़ा नहीं होता इसके ऊपर, क्या मजा आता भाई ब्लैक कलर की थार में, नाइस होता एकदम, है ना बढ़िया है। और अभी एजेंट 47 को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं उससे कहाँ जाना है। ओ भाई अरे नहीं भाई भाई भाई, इसके बंदों को पता लग गया, अच्छा आज हम गाड़ी में नहीं तो आज गलत सीन हो जाता। अच्छा भाई सिमियोन ने बुलेट प्रूफ गाड़ी छुड़ा के दी तो आज गलत सीन हो जाता, तकड़ा वाला, रुक जाओ मैं यहाँ पे कवर लेके, भाई अब मशीन गन काम आएगी, अब आ जाओ बच्चा। हाँ लोग भाई वो बंदा कुछ ज़्यादा ही हाई प्रोफाइल था, हमने गलती से उसके एक सिक्योरिटी गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक दी, तो अभी क्या कहते हैं उसके बंदे भड़क चुके हैं हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन भड़कते हैं तो भड़कने दो, सबकी माँ चोट देंगे, जाओ ऐसे भी काम नहीं चलने का, चलो मैं ग्रेनेड देकर मारता हूँ एक। ये लो भाई हो गया स्वाहा, भाई साहब आज पहली बार लगा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने का कुछ तो फायदा है। और गाड़ी भी हमने रिपेयर करवा ली वहां से जाने के बाद, कि भली बुलेट प्रूफ गाड़ी हो भाई, फूट गई थी भी अच्छी खासी, है ना। बुलेट प्रूफ नहीं होती तो खैर अपनी जान ही नहीं बचती, और गाड़ी भी फूटती पूरी की पूरी अलग। तो भाई साहब बात करें इस गाड़ी की टॉप स्पीड की, तो आराम से 160-170 के करीब पहुंच जाती है, मतलब ऐसी सड़क पे। तो मेरा ये मानना है कि एक बढ़िया सी जगह पे 200 तो टच कर जानी चाहिए, है ना, मतलब मैक्सिमम स्पीड 200 होनी चाहिए। वैसे प्रैक्टिकली 180 के आसपास है, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है भाई साहब। अभी हमें शेख के हिटमैन का कॉन्टैक्ट मिला है, भाई शेख ने भी अपने कुछ हिटमैन भेजे हुए हैं ना यहाँ पे, तो उसका हमें का कॉन्ट्रैक्ट मिला है भाई। हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली, हमें उसका डिस्टेंस मिला है अभी, क्योंकि कितनी दूर है हमारे से, है ना। तो भाई साहब इन गाड़ियों में है वो हिटमैन, और अभी क्या है हमने इसका रास्ता ब्लॉक कर लिया। ओ भाई इन्हें पता लग गया कि हम क्या करने आए हैं, और ठीक है भाई साहब, बेटा तू हिटमैन है तो हम भी तेरे बड़े हिटमैन हैं, भागो 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 भाई, कवर लेना पड़ेगा नहीं तो मर जाएंगे अभी, आ जा बेटा। भाई काफ़ी सारी सिक्योरिटी है इसके पीछे, तो भागना पड़ेगा पैदल ही यहाँ से, किसी और की गाड़ी वाड़ी छुरा के। भाई ये गाड़ी मिली है सबसे पहले, इसे उठा के भागते हैं यहाँ से, और अभी क्या कहते हैं यहाँ से,
भाई इधर भागता हूँ भाई मैं हाईवे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे जल्दी से नहीं आ पाने के। और अभी मैं हाईवे के अभी उल्टी साइड रखा हूँ तो मुझे बहुत तेज़ गाड़ी चलानी पड़ेगी, वो भी संभल के एकदम, है ना भाई। ये तो लगा था, अरे यार भाई मुझे लगा था वो छोटा मोटा बंदा होगा, छोटा मोटा हिटमैन होगा कोई, वो तो भाई कुछ ज़्यादा ही तकड़ा बंदा निकला भाई, थार छोड़नी पड़ गई हमें अपनी उसी के पास। भाई मैंने जैसे ही उसका रास्ता रोका ना, पहले तो उसे लगा कोई वैसे ही होगा अपनी गाड़ी वाड़ी निकाल रहा होगा, पार्किंग में कुछ आया था कहीं कुआ है ना, तो पहले तो उसे वैसे ही लगा कि कोई वैसे अपनी गाड़ी वाड़ी निकाल रहा होगा। भाई जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतरा और उनने मेरी यूनिफॉर्म देखी भाई, उसे पक्का मतलब एकदम यकीन हो गया कि मुझे मारने आया है भाई साहब। उनने अपनी यार क्या भाई अपने साथ बंदे लेके चल रहा है हिटमैन, शेख के हिटमैन तो काफ़ी अमीर है हमारे से, हमारे तो औकात नहीं अपने साथ इतने बंदे लेके चलने की, शेख के हिटमैन अपने साथ बंदे लेके चल रहे हैं भाई साहब। और अभी क्या कहते हैं, हमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया भाई, सस्ती सी गाड़ी से, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, मैं इसे भी यहीं छोड़ के भाई अपने कुछ बस बस पकड़ के जाता हूँ अपने घर। था तो मैं अपनी किसी हाथ में नहीं अब पा सकता वापस, है ना यार। पहली वाली हिट में इसमें ये अंतर था कि भाई उसमें क्या है, एक साइड से बंदे मारे थे, लेकिन भाई वहाँ पे तो चार बंदे तो गाड़ी में दिख रहे थे हमें, ठीक है भाई, इतने सारे बंदे आए चारों तरफ से भाई, चारों तरफ से मारने लग गए, इसलिए हमें एकदम से अपनी जान बचा के भागना पड़ा। ठीक है भाई लोग, अगला दिन और हम तैयार होकर निकल चुके हैं अपने धंधे पानी को शुरू करने के लिए। और आज भाई साहब सिम्योन ने भेजी है हमारे लिए हार्ले डेविडसन वी रॉड, और इसकी मैं तुम्हें बेहतरीन सी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है भाई साहब। इसका ये देखो पीछे का पहिया भाई, रियर व्हील इतना मतलब मोटा भारी भरकम होता है भाई इसका, मतलब ये कह सकते हो कि तुम के बुलेट इसे देख के बनाई गई थी, है ना। और भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है ये और भारी भी होती है ना, और इसे ऐसा मोड़ना एकदम से ऐसा जूप करके बड़ा मुश्किल होता है। और बात करें भाई साहब इसके स्पेक्स की, तो इसके अंदर है 1247 सीसी का 60 डिग्री वी ट्विन, और इसके साथ में इसके अंदर है डुअल चैनल ABS, जो कि भाई से वीलियो स्टॉपी के लिए तो एकदम आइडियल नहीं बना, लेकिन ये है कि इसे रपटने उपटने से बचा लेता है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा भारी बाइक है, 300 किलो के आसपास है इसका वजन। ठीक है भाई साहब, तो हमें टारगेट भी आज थोड़ा आसान से मिला है, एक बंदा है जो वैसे ही जा रहा है पैदल, सड़क पार करके भाई साहब स्नाइप कर दूंगा उसे, पता कोई आ नहीं पाने का इतनी जल्दी, मैं हाईवे हाईवे करके भाग जाऊंगा। हेलो सर, हेड शॉट। ओ भाई मजा तो आ गया भाई साहब, अब भागो भागो भाई भागो, ये किधर जाता मुझे इधर जाता, अरे यार भाई कितना मुश्किल है इस बाइक से भागना। ठीक है वो तो अच्छा है, हाईवे के ऊपर से भाई आराम से निकल लिया मैं, और मैन्यूएबिलिटीज की बहुत गंदी है भाई बाइक की, मैं इतनी देर से बोर्ड की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी जाए घुस गई ट्रक के अंदर। और अभी हमें एक बंदे का कॉन्टैक्ट मिला है जो कि किसी गाड़ी के अंदर है ना, यहीं कहीं होनी चाहिए उसकी गाड़ी, हो रही भाई अभी ट्रैफिक पे खड़ा है, तो सरप्राइज मतलब फका, भागो भागो भागो, वीली लगा के भागो, ये जो लगाती वीली। और भाई साहब निकल गए, कैसी बाइक है भाई, वैसे अच्छी तो अपनी स्कूटर था, कम से कम चढ़ते जाता था फिर आराम से, कि भाई अब फिर जाने का ही नाम नहीं ले रही, इतनी भारी है, इंजन हार मान गया इसके सामने, इतने पीछे से बंदे भी आ गए अभी भाई, जंगल में कोई लेता हूँ कहीं को, कम से कम जान तो बचेगी, और जा भी अभी जंगल में रहिए क्योंकि इसे मोड़ना भी मुश्किल है, तो भाई चल ही जा, तुझे जहाँ जाना है बस उन बंदों से पीछे छुड़ा दे, और मैं यहाँ पे बाइक को छोड़ गया क्योंकि भाई बंदे आ रहे हैं पीछे से, वो भाई थोड़ा सा पावरफुल बंदा था, शेख के लिए ड्रग्स सप्लाई करता था वो, ठीक है तो उसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा थी, है ना। तो अभी क्या कहते हैं उसके लिए बंदे भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो हम पहाड़ कूद के और इधर से गाड़ी चुरा के और भाग जाते हैं भाई, उस बाइक से तो नहीं भाग सकते थे हम, है ना। और अभी इस वाली गाड़ी को भाई एकदम अपहिल लेके चलते हैं, जिससे कि उन्हें शक ही ना हो, मतलब ढूंढ ही ना सकें हमें। ये भाई किसी पोडियम वगैरह पे आ गए हम, जहाँ पे प्रेजिडेंट लोग स्पीच वगैरह देते हैं, स्टेडियम है शायद, जो भी है भाई, इतना कूद फांद करके तो नहीं आने वाले उसके बंदे शेख के, वो भाई साहब गाड़ी वाड़ी से चलना पसंद करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ठीक है, और इतनी मतलब हाई लेवल की सिक्योरिटी तो इतनी गैंग में भाई छोड़ देता है शेख इन बंदों के साथ में, तो गाड़ी वाड़ी चलाना पसंद करते हैं, ऐसे नहीं आते पहाड़ कूद के या फिर इधर उधर बिल्डिंगों के अंदर घुस के ऐसे कैसे करके। यहाँ से ये उठाई एक और गाड़ी और अब निकलते हैं सीधा घर। ठीक है भाई लोग, अगला दिन हो गया है, और भाई कल हमने हार्ले डेविडसन को लेके भाई बहुत गाली बकी थी सिम्योन को, ठीक है फ़ोन करके, तो आज भाई सिम्योन ने हमारे लिए फॉर्च्यूनर भेजी है। और मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि सिम्योन जो है ना
हमें गाड़ियाँ जो गाड़ी की मतलब एक्चुअल कीमत होती है शोरूम प्राइस, उससे सिर्फ डबल पैसों ही भेज रहा है। क्यों पहले भाई ट्रिपल पैसों में बेच रहा था, अब डबल भी बेच रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अब उसे माइकल का डर नहीं है, माइकल जा चुका है। वो भाई साहब बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है गाड़ी, टॉप स्पीड 150 के आसपास की मान लो इसकी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल और मैन्यूरेबल है। अभी मैं क्या कहते हैं इसकी टॉप स्पीड देख लग गया था, इसलिए क्या कहते हैं थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मतलब मैन्यूरेबिलिटी और वो सब इसकी सही है, बहुत तेज ना भगती हो। लेकिन ये अगर गलियों में से निकाल दी तो भाई फिर कोई नहीं पकड़ सकता, ऐसे जूप करके मुड़ जाएगी। ठीक है भाई, आज फॉर्चूनर आती पहला टारगेट मिलिट्री वाले का मिला है। ठीक है, दुबई आर्मी का भाई बंदा है काफ़ी तकड़ा। ठीक है, उसे हमें ठोकने का है। भाई साहब अब आया हाथ, मैं इसके लिए भाई पूरे शहर में घूम गया। नहीं सर रोक लो अभी, भाई इसने इतना भगाया यार, और अभी आर्मी वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं तो इनके ऊपर फायरिंग करते हुए भागते हैं यहाँ से। और मुझे अभी गली में से निकालना पड़ेगा क्योंकि वही गाड़ी मैन्यूएबल है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ना तो स्ट्रॉन्ग है ना ही फास्ट है। अगर तो फास्ट गाड़ी हो तो हाईवे से निकालो, स्ट्रॉन्ग हो तो भाई लड़े दो सामने से। ठीक है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी मैन्यूएबिलिटी के भरोसे रहना है मुझे। और इधर से निकालता हूँ भाई साहब, ये थोड़ा सा इधर, भाई ये सामने वाली रोड है, इधर से दूसरी साइड को निकाल दूंगा मैं जिधर से ट्रक आया था। भाई अब नहीं कोई ढूंढ सकता। और भाई अभी क्या, हम अपनी जॉब ख़त्म कर रहे हैं इसी टाइम, मतलब घर जा रहे हैं, क्योंकि हमें अमेंडा का फ़ोन आया था, वह इसने कही थी कि जल्दी घर पे आ जाओ, कुछ मैटर हो गया ट्रेसी के साथ में। तो भाई एकदम जाके देखते हैं क्या बात है, क्या सीन है, भाई क्यों बुलाया इतनी जल्दी एकदम से। भाई शेक फेक का तो कुछ सीन नहीं हो गया, कहीं घर पर शेक का बंदे बंदे आ गए, वहाँ कुछ हमला वमला कर दिया उन्होंने, देखना पड़ेगा यार क्या बात होगी इनके साथ में। फटाफट घर जाते हैं। ठीक है भाई लोग, तो अभी हम घर आ चुके हैं, हमने ट्रेसी को साथ में ले लिया अपने, और हम जा रहे हैं भाई साहब ट्रैवल के गांव की तरफ। तो भाई मैं बताऊँ हुआ क्या था, जैसे ही हम घर पहुँचे, हमें अमेंडा ने बताया कि भाई ट्रेसी को कुछ लोंडे परेशान कर रहे थे कॉलेज में, और भाई उसे मतलब छेड़ वेड़ रहे थे। तो भाई हमने पूछा कि कौन है, अरे क्या सीन है, हम देख के आवें। उसने हमें यही बताया कि जो उनका सबसे पावरफुल लोंडा है, मतलब जो भाई इसे मेन छेड़ रहा था बंदा, वो किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली से आता है, तो इसलिए इसने हमारे से ये भी कही कि वायलेंस वगैरह मत करना। और भाई अभी हम ट्रैवल के गांव की तरफ जा रहे हैं उन लोंडों से भाई शांति से बात करने, है ना। वो लोंडे जो हैं ट्रैवल के गांव में जो पब है उसमें मिलेंगे इस टाइम, ऐसा इसने हमें बताया है। तो चल के एक बार देखते हैं भाई क्या समस्या है, क्या बात है। हिटमैन है भाई, हम हमारी बहन को परेशान करेंगे, ऐसा थोड़ी चल जाएगा। अच्छा भाई साहब ऐसी बात है, तो ये ले फिर ये ले, साला ये लो भाई ये ले। भाई साहब हमने क्या कहते हैं इनसे नुकई कि भाई तुम्हारे में से कौन सा छेड़ रहा था, हैं। तो इनमें से एक लोंडा बोल रहा है कि मैं छेड़ रहा था, हैं। तो भाई हमने कही कि तुम्हारे ऐसे छेड़ना ही चाहिए, मतलब तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन होंगी और तुम ऐसे छेड़न लग रहे हो। तो ये कह के तेरी बहन को तो ओयो लेके जाऊँगा, भाई ओयो का तो पता नहीं सर अस्पताल जो मैं पहुँचा दूंगा। ये ले बेटा ये ले ये ले ये ले। भाई साहब ट्रेसी ने नुकई नुकई वायलेंस नहीं करना, इसलिए अभी तक इसे शमशान नहीं पूछा, लेकिन अस्पताल तो पूछा ही दूंगा। और भाई साहब गोली भी मैं इसलिए चला रहा क्योंकि उन्होंने वायलेंस करने को मना करी, लेकिन क्या है गोली तो गाड़ी से ही। अब रुक जाओ बाहर निकल कर हथौड़ा वो पेलते हैं इनमें। ये ले भाई ये ले। हाँ अब आ क्या कर रहा है, है? आ क्या कर रहा है, देखा हथौड़ा। भाई साहब हथौड़े से ऐसी हड्डी पसी अलग करूँगा इनकी कि फिर किससे फालतू नहीं बोलने के। भाई साहब अस्पताल पहुँचाने का जुगाड़ कर दिया अपने इंसानों का, बड़े आए हुए वाले बस शमशान पहुँचाते रहने के। लेकिन बस ये है ट्रेसी ने वायलेंस करने को मैंने कही थी। ठीक है भाई साहब, तो अभी हम उन बंदों की हड्डी पसी तोड़ने के बाद वापस घर जा रहे हैं ट्रैवल गांव से। भाई साहब बेहोश हुए पड़े हैं सारे के सारे, हड्डी पसी तोड़ दी सारों की बढ़िया से हमने, पहले गाड़ी चढ़ाई फिर हथौड़े से पेल दिए। ठीक है, तो अभी अच्छी खासा अस्पताल का बिल आने वाला है उनका, अरे जुड़ेंगे भी काफ़ी टाइम में ढंग से। तो क्या कहते हैं, लेकिन अभी ट्रेसी ये कह रही है कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए था, अरे उसका जो बाप है वो कोई पुलिस का बड़ा ऑफिसर वगैरह है, तो कह रहे हैं कि वो तुम्हारे से अब मैटर कर सकता है। अरे भाई तुम हिटमैन वैसे हो, क्या कानूनी काम करते हो, तो वो तुम्हारे से मैटर कर सकता है। तो हमने कह दिया कोई नहीं भाई, ऐसे पुलिस वालों को तो हम रोज़ देखते रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अभी तो भाई हम आराम से घर जा रहे हैं उनकी हड्डी पसली अलग करने के बाद। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो, मज़ा आया हो, तो कर देना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और हर बार की तरह मिलते हैं अगली वीडियो में, बताओ जल्दी से कमेंट में कि अगली वीडियो आर्क की लाई जाए या GTA की स्टोरी आगे बढ़ाई जाए, क्या करा जाए, है ना, कमेंट करके बताओ फटाफट।
और भाई जो भी तुम्हारा कमेंट होगा, जैसे ही डिमांड होगी वैसी सप्लाई की जाएगी। GTA चाहिए होगा GTA मिलेगा, अपना आर्क चाहिए होगा आर्क मिलेगा। ठीक है, जो बढ़िया लगे बता देना।